हेलो पीपल, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्लू हेवन मेकअप फिक्सर की डिटेल्ड वीडियो, डिटेल्ड रिव्यू। सो वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। सो गाइस, अगर आप मुझे स्टार्टिंग सब्सक्राइब किए हो तो आपको पता होगा मैं मोस्टली मेकअप वीडियोज़ में ये मेकअप फिक्सर यूज़ करती हूँ। ये अफोर्डेबल के साथ साथ बहुत अच्छा मेकअप फिक्सर है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। गाइज, इसकी प्राइस 300 रुपीज़ है, जिसमें आपको 100 ml क्वांटिटी मिल जाती है और इसकी सेल्फ लाइफ 3 ईयर्स है। और गाइज, आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं, ये पर्पल कलर की मेटेलिक कार्डबोर्ड बॉक्स में आती है। ब्लू हेवन एक इंडियन ब्रांड है, ट्रूली मेड इन इंडिया। इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में होती है। और गाइज, ये आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन इजिली अवेलेबल हो जाएगी। मैं आप लोगों को इस प्रोडक्ट से रिलेटेड एक बात बताना चाहती हूँ। आप ऊपर में ये स्टिकर देख सकते हैं, ये सील है गाइज। अगर इसकी सील खुली हुई रहे तो आपको बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है। आप देख सकते हैं, इस पर भी साफ साफ मेंशन है, डू नॉट एक्सेप्ट इफ दिस सील इज ब्रोकन। मैंने इसे purple.com से ऑर्डर किया और जब मुझे ये रिसीव हुई थी तो ये सील बिल्कुल भी पैक थी, बिल्कुल भी ओपन नहीं थी। और गाइज, अब मैं अंदर का प्रोडक्ट आपको निकाल कर दिखा देती हूँ। अगर आप बिगनर्स हो और आप कोई मेकअप फिक्सर के बारे में सोच रहे हो अफोर्डेबल में, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैंने जब इसे परचेस किया था फर्स्ट टाइम, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था इतने पैसे में ये वर्क करेगा या नहीं। बट गाइज, ट्रस्ट मी, ये 300 रुपीज़ में बहुत अच्छा मेकअप फिक्सर है एंड बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी भी आपको प्रोवाइड करता है। एंड गाइज, आप देख सकते हैं इसमें डबल कैप है। क्यों है ये तो नहीं पता, बट अच्छी बात है आपका कोई भी प्रोडक्ट इसमें लीक बिल्कुल भी नहीं होगा। इसकी आउटर पैकेजिंग भी पर्पल मेटेलिक कार्डबोर्ड बॉक्स थी एंड इसकी इनर पैकेजिंग भी आप देख सकते हैं। इसकी जो बॉटल है बहुत ट्रैवल फ्रेंडली है एंड ये भी पर्पल कलर में ही आपको अवेलेबल होगी। आप जब इसे अपने पूरे फेस पे स्प्रे करोगे तो गाइज, ये आपके पूरे फेस से बहुत अच्छे से स्प्रेड होगा एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपका पूरा अमाउंट पूरे एक जगह पे ही फेस पे लग रहा है, पूरे फेस पे इवेनली स्प्रेड होगा। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है। और इसमें गुडनेस ऑफ एलोवेरा है, विटामिन ई है एंड विटामिन B5 है। इसमें एलोवेरा है, सो स्प्रे करने के बाद आपको स्किन में थोड़ी सी टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है, मीन्स थोड़ी सी कूलिंग सेंसेशन होगी। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये बस सेंसिटिव स्किन वालों के साथ ही ये प्रॉब्लम होती है। अगर आप नॉर्मल ऑयली या कॉम्बिनेशन ड्राई स्किन है तो आपको बिल्कुल भी ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात, ये पैराबेन फ्री है। गाइस, 300 रुपीज़ में आपको पैराबेन फ्री प्रोडक्ट मिल रही है, 100 ml क्वान्टिटी मिल रही है, साथ ही मेड इन इंडिया है, हैशटैग ट्रूली मेड इन इंडिया है। अगर इंडियन ब्रांड में अच्छे प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो हमें बिल्कुल भी इसका सपोर्ट करना चाहिए गाइज। मैं इस मेकअप सेटिंग स्प्रे को सेंसिटिव स्किन वालों को बिल्कुल भी प्रिफर या सजेस्ट नहीं करूँगी। और अगर आपकी कोई भी स्किन टाइप है तो आप इसे ज़रूर लें, ज़रूर परचेस करें, मैं आपको रिकमेंड करूँगी। बट गाइज, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप इसे मत परचेस करें। और हाँ गाइज, इसकी जो स्मेल है वो थोड़ी सी हार्ड है। अगर आपको ज़्यादा हार्ड स्मेल पसंद नहीं है सो आप इसे परचेस ना करें। मुझे इस मेकअप फिक्सर की कोई भी खामी नहीं लगती है। अगर कुछ खामी है तो वो है इसकी स्मेल। बाकी ये मेकअप फिक्सर बहुत ज़्यादा अच्छा है 300 रुपीज़ में। एंड गाइज, अगर वीडियो अगर अच्छी लगी, अगर आपको ये मेकअप फिक्सर परचेस करने का मन है तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप इसे लोकल मार्केट से भी इजीली परचेस कर सकते हो। और गाइज, ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, दैट्स वाई मैंने आप लोगों के साथ ये प्रोडक्ट शेयर किया है। और मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो में इस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी आपको डिटेल्ड एंड सारी जानकारियाँ आपको दे सकूँ, शेयर कर सकूँ। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड तो आप बेझिझक मुझे इंस्टाग्राम पे या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पर वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, वीडियो को लास्ट तक देखना। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप मेकअप फिक्सर को अपने फेस पे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का सही तरीका बताने वाली हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप इस स्प्रे को, आपके पास कोई भी मेकअप स्प्रे है तो आप उसे उस टेक्निक से, मैं जो बताने वाली हूँ उस टाइप से आप स्प्रे कर सकते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपके पास मेकअप स्प्रे ऑलरेडी है तो इसके बाद वाला पार्ट आपके लिए यूजफुल होगा। सो गाइज, इसे ज़रूर देखें।
सो गाइस, इसे कब यूज़ करते हैं ये तो आपको पता ही है, आफ्टर मेकअप। बट इसे कैसे यूज़ करते हैं मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी। आई नो आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिसे मेकअप फिक्सर यूज़ करना आता है, बट जिन्हें नहीं आता है ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगी। सो वीडियो को लास्ट तक देखें। सो सबसे पहले स्प्रे को यूज़ करने से पहले आपको शेक करना है अच्छे से, एंड अच्छे से शेक कर लेने के बाद इसे आपको स्प्रे करना है। और आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी प्रोडक्ट आपके आईज़ में बिल्कुल भी नहीं जाने चाहिए एंड आपके माउथ के अंदर नहीं जाने चाहिए। सो आपको इतने डिस्टेंस में, वन हैंड डिस्टेंस के लगभग आपको स्प्रे करना है, इतने दूर से। मैं आपको स्प्रे करके दिखाती हूँ तब आप समझ जाओगे। यू कैन सी गाइस, कम से कम इतना डिस्टेंस रखना है एंड आईज़ को क्लोज कर लेना है एंड आपने कुछ बोलना भी नहीं है, एकदम चुपचाप इसे स्प्रे करना है। यू कैन सी, आप देख सकते हो। ये इवेंटली आपके पूरे फेस पे स्प्रेड हो इस वजह से आपको थोड़ा डिस्टेंस में स्प्रे करना है एंड आप देख सकते हो कि मेरे पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रेड हो गया है। एंड इसे 2 मिनट्स तक ड्राई होने देना, मीन्स एब्जॉर्ब होने देना है। 2 मिनट्स के बाद आप देख सकते हो स्प्रे जो है बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है एंड आपका जो मेकअप है वो बहुत अच्छे से फिक्स हो गया है। आपको गाइस कभी भी स्किन से, मीन्स अपने फेस से इतने क्लोज लाकर स्प्रे नहीं करना है। इससे क्या होगा, आपका जो स्प्रे है बस एक जगह पे ही आप बहुत ज़्यादा अमाउंट लग जाएगा। कम से कम इतना दूर, इतना वन हैंड डिस्टेंस आपको करना है एंड अब स्प्रे करो, इवनली पूरे आपके फेस पे स्प्रेड होगा, आप देख सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात गाइस, कोई भी मेकअप फिक्सर आपके आईज़ में बिल्कुल भी नहीं जाने चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा जलन होता है, इचिंग होने लगता है। सो ध्यान रखें, आप जब स्प्रे कर रहे हो तो आँख खुली नहीं रहनी चाहिए और आप ज़्यादा बोलो भी मत, मीन्स शांत होकर स्प्रे करो। सो आई होप बिगनर्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। और आप देख सकते हैं कितना ईजी था स्प्रे करना एंड मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल वीडियो तो बता ही दी। अगर फिर भी आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और लास्टली मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि आप मेकअप में इतना इन्वेस्ट करते हो तो मेकअप फिक्सर एक अच्छे से इन्वेस्ट करके ख़रीद लो, क्योंकि अगर आप मेकअप करते हो और मेकअप को फिक्स नहीं करते हो तो बेकार है आपका मेकअप, आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बिल्कुल भी नहीं रहेगा। सो एक मेकअप फिक्सर में ज़रूर इन्वेस्ट करें अगर आप डेली बेसिस पे मेकअप करते हो। अगर आप डेली बेसिस पे मेकअप नहीं भी करते हो, पार्टी फंक्शन में मेकअप करके जाते हो, तो एक मेकअप फिक्सर पे इन्वेस्ट करो। ये आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है प्लस ड्यूई ग्लोई लुक देता है, आप देख सकते हैं। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो और आपने इस वीडियो को बहुत इन्जॉय किया हो। सो वीडियो को क्या करना है पता ही है, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और साथ ही बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाओ। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।